आगरा में शिक्षक दिवस पर सोमवार को शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षक जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षकों ने कहा कि जब सांसद एवं विधायकों को पेंशन मिलती है तो उन्हें पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। शिक्षकों ने कहा कि पुरानी पेंशन उनके लिए बुढ़ापे की लाठी है, पेंशन के जायज हक को वे लेकर रहेंगे। नवीन पेंशन योजना शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए लाभकारी नहीं है, इसीलिए इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश दीक्षित ने कहा कि शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संघ के मांडलिक मंत्री ओमवीर सिंह डागूर ने कहा कि शिक्षकों के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना बहाल होने तक आंदोलन चलता रहेगा। दरअसल अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे एवं प्रदेश महामंत्री उमा शंकर सिंह के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज धरना एवं विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के प्रथम चरण में शिक्षक सांकेतिक तौर पर कलेक्ट्रेट पर एकजुट हुए। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने राष्ट्रपति एवं पीएम के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, जनपद आगरा का जिला मंत्री हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षकों ने हमारी जो 15 वर्ष से निरंतर मांग चली आ रही है कि हमारी पुरानी पेंशन भर दी जाए। जब सांसद और विधायकों को एक बार 1 महीने और 1 दिन शपथ ग्रहण करने के बाद जब उनको पुरानी पेंशन मिलती है तो शिक्षक जब 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष की अपनी सेवाएँ विद्यालयों में दे रहे हैं, शिक्षकों को न कर्मचारियों किसी को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही। संगठन की पूरे देश में एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और उसी व्यवस्था से जो सांसद और विधायकों को पेंशन मिल रही है उसी व्यवस्था से हमें पेंशन दी जाए। एनपीएस के नाम पर शिक्षकों के पैसे जो कटौती के रूप में लिए जा रहे बहुत बड़ा घोटाला है। शिक्षक आक्रोशित हैं और उनकी एक ही मांग है कि हमारी एनपीएस को बंद करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर नहीं सुनेगी सरकार तो हम सब लोग इकट्ठे होंगे, धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे, फिर प्रदेश में करेंगे और ये हमारा अभियान राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। और जब तक जो है जब पुरानी पेंशन सबको मिल रही है, विधायक को, सांसदों को, तो हम कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही? या तो उनकी बंद करो या हमारी बहाल करो। जब तक जो है हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होगी।